सब भाई ना राम राम भाई। दो नए लायका की बात सुन लियो भाई, मैं 1 मिनट चुप हो जाऊंगा, ये दोनों देखियो किस तरह देखेंगी। कोई सी ने कहेगा विज्ञान को नहीं, और लपेटम लिख सारी दुनिया ने। जिन्हों का है दुनिया में 1% लोग सही हैं और 99% लोग असली हरामखोर, और उन 1% में आपको इनाम गिनाओ। भाई मैं तो न्यू कहूँ आप इस बिल्कुल घिसा पिटा, जो पहले पुराना झोपड़पट्टम रहे कर दे, फिर थोड़े ऐसे पक्के मकान हो गए तो ई बोर पक्के हो गए, लेकिन अपना देख लो भाई बिल्कुल ही बताए कती कच्चा मकान। और भाई सारी दुनिया बहुत घटिया है, लेकिन अपने विचार जो है बिल्कुल साफ सुथरे और शुद्ध से। घराले निकाल रहे हैं दूध और माँ अपने दिखाई भी दूंगा। वो कटन लाए रही दूध भाई, दूध का टाइम हो रहा है। आज मैं दूध को नहीं काटूँ भाई, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, और मैं काटे करूँ टाइम टू टाइम दूध। मुड देख लिया करूँ भैंस का गा का, हाँ तना दूध देगी कि नहीं देगी, मनीषा हिसाब लग ना कि उछल सके है, लात मार सके है, कूद सके है, उस दिन मैं ना कटे करूँ। और भाई बिल्कुल अपने तो साधारण विचार हैं, और आजकल भाई एक कोविशील्ड आली वा वैक्सीन जो लगाई थी कोरोना काल में, उसका मुद्दा भारी उठ रहा है। डरियो मत भाई, कुछ भी को नहीं होना, जो एक चुनावी मुद्दा बना रखा है, और जिस भाई का जब कोई दिक्कत होनी है ना, उसने कोई रोक नहीं सके, और कोविशील्ड का इसमें कोई रोल नहीं सा, सारी दुनिया में लग रही है। हाँ जिसका पहले तो मान ले कोई भाई गंभीर बीमारी थी, उसका या वैक्सीन लग गई तो शायद साल से भी ना बाद में उस बीमारी का ये जो है ना साइड इफेक्ट्स हों, और कोविशील्ड का कुछ भी कोई। तो भाइयों कई इलाकों में तो चुनाव हो लिए, और अपना हरियाणा में चुनाव 25 मई तक हैं। अपने विचार तो बिल्कुल सिंपल हैं भाई, आप ही तो वोट उसने देंगे भाई जो जनता की आवाज़ सुन दो, और ऐसा कोई नेता है कौन जो जनता की आवाज़ सुने, तो इसका मतलब नोटा ऊपर डालेंगे, नोटा ऊपर चुनाव कैंसिल करवाएंगे। कड़ा सरकार ने एक नया रूल लागू कर रखा है भाई, मेरा है ना कै परसेंट सब वो, अगर नोटा ऊपर इतने परसेंट वोट आ गए ना चुनाव रद्द हो जाएगा। ये देख लो भाई दूध भैंस को कड है, और ध्यान मेरा करनी सर, क्योंकि बार बार मैं इसकी तरफ भी तो कमरों ले जा रहे हूँ ना, सचेत सा कि तेरा कनी कमरों जो है ना घूमने वालों सा, या अपने गौ माता है भाई, देख गौ माता है या अपने 12 साल हो गए इसने अपने घरे रंधे आने, छोटी सी बच्चिया जो है ना आप ही लाए थे सब तो पहला यो पशु पाया है आप ही ने, या 8 बार 42 ठीक है, और ये 2 साल तो न तो यह ब्याई है न या दूध दे रही है, लेकिन फिर भी आप ही इसने घरे पाल रहे हाँ खुआ रहे हाँ, क्योंकि यह अपने पशुओं की नीम से गौ मत्ता है। तो वह ये है गौ की सेवा, अगर ये और किसी के घरी हो ना और 2 साल न्यू खड़ी खा रहे, तो ये बने इसने
गौशाला में छोड़िया भाई, लेकिन आप इन गौ का धर्म निभाया है। या छोटी सी बच्चिया इस खुट्टो पर आगे बंधी थी, तो वह प्राण भी शायद इससे खुट्टो पर त्याग गएगी। यो हवाई झूठी न्यू कहने ते गौ सेवा को नहीं आग भाई, गायन खिलाए करो पिलाए करो, असली गौ सेवा या खूब ध्यान रखा भाई बात को नहीं आग, जिस तरह मान ले खुट्टो पर बंधी रहा है, देख लो दे तो पड़ी पड़ी है, सारा पशुआ तो मोटी है क्योंकि सारा तो ज्यादा खबाती इससे की करा हम। यो अपने धन से यानी कि न दूध दे रही है न ब्यारी है तो भी अपना सबसे बड़ा धन है। तो वह वीडियो कैसे वीडियो भाई लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कराया करो। तो वही भैंस का दूध लिया है निकाल, अरे यू आज भैंस का मन राज्य कौन था ना, इसलिए थोड़ा सा दूध कम दिया है। या भाई दूसरी जो झोटी है उसकी चाट जो है ना तैयार करने लग रही है, क्योंकि चाट तो आप इस दिन में रह लिए करा इवनिंग पानी पुनी गेर कीर व पशुओं का खाने का लायक बनाई जा। दूसरी जो टिया है भाई ये भी इसका पहली परली का दूध निकल लिया थी, बुरली का दूध निकल लगी, इसकी चाट चोट सारी चीज जो है ना तैयार करने लायक रही है। और भाई अपने गांव में ये सिस्टम जो है ना सब तक खास है, शाम का टाइम पर सारा परिवार बिजी हो जाए, जो है मनता के साइकिल लेके या बूढ़ी माँ की गोश्ता लेके आगे। आज मैं अपनों बलो खुद बनाऊ लग रही हूँ, चाट थोड़ी सी ज़्यादा तो कोनी लेकिन हाथ में दिक्कत हो रही है, इसलिए हंगा लग गया है भाई, देख ता थोड़ा ठान दिया नहीं। या एक कुंटल वजन ठास का है क्या है या मैं मानू को नहीं है बात, क्योंकि जचन वाली को नहीं। अरे वो बेटा है मन तेरे को नहीं, केक खेत में खुदा खादी लग रहा है माँ, केला को किले आई से सच्ची बताते केला को किले आई से पकड़ी गई माँ, कैमरा मागी तो केला को किले आई से ना तुम तार को नहीं हो रहे क्यों तो चून थो के माँ पुनीता ने कहा थी माँ को या राम राम को कर दे रा, सब बाण बेटियां राम राम, सब बाण बेटियां राम राम। और वीडियो न्यू का लाइक करया करो, वीडियो लाइक करया करो, लाइफ नहीं लाइक करया करो, लाइक हाँ लाइक करया करो। कौन याद रहे मेरे न्यू कोई बात नहीं भाई, कदे जमाने की पहली क्लास करेड़ी है आज तो 60-65 साल पहली क्लास पढ़ेड़ी है। हाँ। और तजुर्बा तो 11वीं 12वीं आदत भी फालतू, यानी कि अनपढ़ भी कोई कैस का ना पहली क्लास में जाएड़ी है। तो भाई आज का ब्लॉग ये अब दूसरी भैंस का जो है ना दूध निकालना शुरू कर दिया है, और आज का ब्लॉग यहीं तक। अब दूध निकालने का जो है ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।